सुजुकी एक्सेस में एक नया कलर आया है, आइस ग्रीन कलर। ये देखकर आपका दिल खुश हो जाने वाला है। पुराना विंटेज कलर यहाँ पर आपको ये मिलने वाला है। जैसे पहले वेस्पा या स्कूटर का जो कलर हुआ करता था, वो कलर यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये कलर का कॉम्बिनेशन देखिए कितना खूबसूरत आपको ये दिखने वाला है। आइस ग्रीन एंड इसके साथ साथ एक क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और यदि हम साइड लुक की बात करें, इसका जो इनर बॉडी है इसको स्लाइटली ग्रे कलर दे दिया गया है, कुछ इस तरह से दिखने वाला है। और प्रीमियम सीट आपको मिल रही है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर में ये आपको मिलने वाली है। और ओवरऑल जो इसका लुक है, जो डिजाइन है, जो फीचर्स हैं, ये आपको सब कॉमन ही मिलने वाले हैं। इसमें भी आपको दो वेरिएंट मिलने वाला है, बीटी और विदाउट बीटी, ब्लूटूथ और विदाउट ब्लूटूथ। तो हम लोग चलिए अब फीचर डिटेल देख लेते हैं। कलर आप लोगों को दिखाना था, नया कलर आया हुआ है। सारे शोरूम में मुझे लगता है अवेलेबल भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको मुंबई में परेल में के में हॉस्पिटल के पास में ये शोरूम है। आपको एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, दोनों डिटेल मिल जाएगा, यहाँ पर अवेलेबल है, ये आप देख लीजिए। अभी हम लोग फीचर डिटेल इसका देख लेते हैं। इसका प्राइस पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इसका ऑन रोड प्राइस इंक्लूडिंग एवरीथिंग विदाउट ब्लूटूथ जाते हैं तो 1,10,000 रुपये, और यदि ब्लूटूथ के साथ में जाते हैं तो 1,13,000 रुपये इसका आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। इसके माइलेज की बात करें तो 45-50 किलोमीटर का आपको माइलेज मिलने वाला है। कंपनी तो क्लेम करती है 60 के आसपास। तो ये की फीचर था, अभी हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। तो इसका जो फ्रंट से लुक है कुछ इस तरह से रखा गया है, क्रोम प्लेटेड दिया गया है। इसका रियर व्यू मिरर जो कुछ इस तरह से दिखने वाला है, और यहाँ पर इसके हेडलैम्प से मिलता जुलता जा रहा है। इसका जो हेडलैम्प का पेरिफेरी है ये दिया गया है क्रोम फिनिश के साथ में। तो फुल कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, प्रीमियम लुक हो रहा है। और इसके साथ साथ इसका मॉडर्न फीचर जो है ये भी आपको मिलने वाला है, वाइट कलर्ड LED हेडलैम्प मिल रहा है। यदि मैं ऑन करके दिखाऊँ तो कुछ ऐसा इसका लाइट का पैटर्न बन जाता है। यदि पासिंग लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ ऐसी लाइट आने वाली है। तो अंधेरे में भी जो आपकी शार्पनेस है, जो विजिबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। स्प्लिट में दिया गया है इसका हेडलैम्प, और बीच से एक स्ट्रिप पास होती है जो कि क्रोम फिनिश के साथ में दी गई है। और इससे नीचे देखते हैं तो यहाँ पर सुजुकी का ये ब्रांडिंग यहाँ आ जाएगा है, सिक्योरिटी नंबर प्लेट। और जो अप्रैन है इसको भी एक खूबसूरत डिजाइन दिया गया है, कुछ इस तरह से थोड़ा सा आपको नैरो जाता हुआ यहाँ पर डिजाइन मिल जाता है, फ्लैट ना होकर यहाँ पर आपको एक करो। इसके डीआरएल लाइट में बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, और साइड इंडिकेटर कुछ ऐसे आ जाने वाला है। साइड इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ए विजिबिलिटी इसकी बनने वाली है, बल्ब के साथ में आ रहा है। और फ्रंट मडगार्ड आपको मिलने वाला है डुअल टोन कलर में। जो फ्रंट पोर्शन है ये आइस ग्रीन कलर से रखा गया है, रियर पोर्शन देखेंगे तो आपको मैट ब्लैक आने वाला है। तो कुछ एक कलर कॉम्बिनेशन हो जाता है इसके फ्रंट मडगार्ड पर। और इसके सस्पेंशन को भी देख लेते हैं, तो फ्रंट में आपको मिल रहा है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यहाँ पर इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से आने वाला है। जबकि रियर में आपको मिलने वाला है स्विंग आर्म सस्पेंशन जो कि ब्लैक कलर से रखा गया है। इसके सस्पेंशन के बाद हम बात कर लेते हैं व्हील के बारे में। तो इसमें 5 स्पोक्स के साथ में अलॉय व्हील आ रहा है, और व्हील का जो कलर है बॉडी कलर से मैच होता हुआ जा रहा है, कुछ इस तरह से सिल्वर कलर में इसका व्हील दिखने वाला है। बात कर लेते हैं हम इसके टायर के साइज का, तो आगे और पीछे दोनों में जो रेडियस है ये 12 इंच का इस्तेमाल किया गया है, और टायर का जो साइज है 90x90 है, ट्यूबलेस टायर यूज किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग इसके रियर टायर को भी देख लेते हैं। रेडियस आपको मिलने वाला है 10 इंच का, 90x100 इसका साइज रखा गया है। रियर टायर जो है ये वाइड हो जा रहा है, वाइड होने की वजह से जो आपकी स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है, और रेडियस जो है कम हो जा रहा है। तो लेडीज वगैरह के लिए भी हैंडलिंग जो है आसान होने वाला है, लेग रीच आसान हो जाएगा। और फ्रंट व्हील का साइज 2 इंच बड़ा है, तो खड्डे वगैरह से रोड ब्रेकर से निकलना जो है वो आसान हो जाता है। तो ये आपको काफ़ी अच्छा इसमें फीचर मिलने वाला है। और बात कर लेते हैं हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम का, तो यहाँ पर आप इसका ब्रेक देखिए डिस्क के साथ में आ रहा है, और इसके साथ साथ आपको इसमें मिलने वाला है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, और ब्रेक कैलिपर जो है ये निफिन का इस्तेमाल किया गया है। तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होने की वजह से आगे और पीछे जो दोनों ब्रेक हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई होने वाले हैं, तो स्लिप होने के जो चांसेस हैं, स्किड होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसके व्हील सस्पेंशन ब्रेक के बाद हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे फीचर्स का। तो यहाँ पर हम इसके फुटबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। फुटबोर्ड फ्लैट रखा गया है, सामान वगैरह कैरी करना आसान होगा। यदि आप डेली यूज आइटम खरीदते हैं, ग्रॉसरी या फ्रूट्स वेजिटेबल, तो उसको भी यहाँ पर रखा जा सकता है। ऑफिस जाते हैं तो यहाँ से आप हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक लगेज हुक दिया गया है, और दूसरा आपको लगेज हुक यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा लगेज हुक यहाँ पर आपको क्लोजिंग के साथ में मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका कोई भी सामान है, यूटिलिटीज है, वो गिरता नहीं है। तो ये आपके लिए सेफ्टी का काम कर जाता है। और लेफ्ट साइड में देखें तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मोबाइल चार्ज करके ही घर से निकलना है, विदाउट चार्ज के भी जा सकते हैं। बस कार्ड रखना है, यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ होता है, पानी जाने का चांसेस नहीं होता है। और यहाँ पर आपको थोड़ा ग्लव स्पेस भी मिल जा रहा है, चाहे तो मोबाइल रख लीजिए, या छोटा वाटर बॉटल 1/2 लीटर का रख सकते हैं, या कोई छोटा मोटा जो सामान है उसको यहाँ पर रखा जा सकता है, यहाँ पर दे दिया गया है। स्पेस की बात करें तो आपको डिसेंट यहाँ पर स्पेस मिल जा रहा है। यदि बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर वो बच्चा खड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो हैंडल है वो स्ट्रेट जा रही है, अंदर ना होकर स्ट्रेट है, तो खड़ा होना आसान रहने वाला है।
अब इसके अंडर सीट स्टोरेज का भी मैं आप लोगों को डिटेल दिखा देता हूँ। सीट का यहाँ पर पहले देख लीजिए, प्रीमियम क्वालिटी की सीट है, आप सीट को देखकर ही आपको समझ में आ जाने वाला है। स्टिचिंग वर्क काफ़ी फेबुलस है यहाँ पर, अब ब्राउन कलर के ऊपर वाइट कलर का स्टिचिंग वर्क आ जा रहा है। और सीट का लेंथ तो कुछ ऐसे है जिसे लगता है तीन आदमी के लिए बनाया गया है, तीन आदमी आराम से हेल्दी कैटेगरी के भी होंगे तो बैठ सकते हैं, वैसे तीन को बैठना नहीं चाहिए, लेकिन आपको लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बताने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि लेंथ काफ़ी बड़ा आपको ज़्यादा मिल रहा है और वाइड सीट रखी गई, तो कम्फर्ट जो है वो मैक्सिमम सीट पर मिलने वाला है। और यहाँ पर आप इसका अंडर सीट स्टोरेज देख लीजिए, फुल फेस हेलमेट आराम से रख सकते हैं इसमें। और यहाँ पर आपको एक प्रोविजन मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, टूल किट और फर्स्ट एड किट, ये सब चीज़ें रखने के लिए भी आपको यहाँ पर प्रोविजन कर दिया गया है, तो आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स इधर उधर भागते नहीं रहेंगे। तो इसको अभी बंद कर देते हैं और इसका राइड प्रोफाइल देखते हैं। तो यहाँ पर एक्सेस का जो ब्रांडिंग है तो इसको किया गया है अंडर बॉडी, और यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिल जा रहा है स्पेशल एडिशन का, क्योंकि ये जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी नया नया कलर आया है, ये स्पेशल एडिशन के स्कीम में है। और यहाँ पर प्लेन राइडर का जो फुट रेस्ट है कुछ इस तरह से दिया गया है, ब्लैक कलर से आने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं SEP सुजुकी इको परफॉर्मेंस का यहाँ पर आपको स्टिकर मिल रहा है, इसका मतलब कि इसका जो इंजन है सुजुकी की तरफ से इसमें जो स्पेशल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट है इंजन का वो अच्छा मिलेगा और माइलेज आपका जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पर इसके साइलेंसर को देख लेते हैं, तो साइलेंसर का जो कवरिंग है स्टील से दिया गया है और साइलेंसर का कलर आ रहा है मैट ब्लैक कलर से, कुछ इस तरह से इसका दिखने वाला है। कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर यहाँ पर दोनों साइड में मिल जाता है इसके हगर पर। और यहाँ पर इसके टेल लाइट को देखते हैं, तो टेल लाइट ऑन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखने वाली है, और इसके टेल लाइट में बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। यदि आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसी शार्पनेस, और पेट्रोल टैंक पर आपको उतरने की जरूरत नहीं होगी, चाबी दे देंगे तो आप पेट्रोल अटेंडेंट जो है वो आपका भर देगा। यहाँ पर आउटसाइड में इसका दिया गया है पीछे में, तो यहाँ पर ये आपको मिल जा रहा है सिल्वर कलर से, और ये बैक रेस्ट का भी काम कर जाने वाला है प्लेन राइडर के लिए। और लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ किक स्टार्ट सिस्टम भी दिया गया है, और इसमें आपको मिल जा रहा है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, जिसकी वजह से आपकी जो सेफ्टी है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। लेडीज जो है वो प्रीफर करती हैं सिंगल स्टैंड पर ही स्कूटर को खड़ा करना, तो उनके लिए जो है किसी तरह से यदि मिस करते हैं भूल जाते हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। वैसे किसी के लिए भी काफ़ी यूजफुल फीचर होता है, लेकिन स्पेशली जो सिंगल स्टैंड पर खड़ा करते हैं उनके लिए। तो ये सब कुछ आपको फीचर मिल रहा है इस स्कूटर के बारे में। अभी मैं आप लोगों को इसका इंजन डिटेल बता देता हूं। तो इसमें आपको इंजन मिल रहा है 124 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड OSC इंजन, जो मैक्सिमम पावर देने वाला है 8.58 BHP का, और पीक टॉर्क इसका आपको मिल रहा है 9.8 न्यूटन मीटर का 5000 RPM पर। और इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये रखा गया है 160 mm का, व्हील बेस 1250 mm है। सीट हाइट की बात करें तो 780 इसका सीट हाइट हो जाएगा, और 112 kg इसका कर्व वेट हो रहा है। तो ये सारा डिटेल है इसके इंजन और डायमेंशन के बारे में। अभी इसका मीटर कंसोल देख लेते हैं, तो मीटर कंसोल जो है ये आपको पुराना इंफॉर्मेशन के साथ ही मिल रहा है, थोड़ा सा इसमें डिजिटल टच दे दिया गया है, तो सेमी एनालॉग यहाँ पर हो जा रहा है। टॉप में आपको मिलने वाला है स्पीडोमीटर, ये कांटे वाला जो होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है और स्पेशली मुझे काफ़ी पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। यहाँ पर सेपरेशन दे दिया गया है ब्लू कलर से, तो जो इसका लुक है वो काफ़ी क्लासी हो जा रहा है। और आपको यहाँ पर मिल जाएगा ओडोमीटर, और इसके साथ साथ ट्रिप का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इस स्विच का इस्तेमाल करके टाइम देख सकते हैं, दो ट्रिप का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और यहाँ पर फ्यूल गेज ये पता चल जाएगा। लेफ्ट साइड में कंट्रोल स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको तीन मिल जाता है, अपर एंड डिपर, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, हॉर्न, और राइट साइड में आपको एक सिंगल स्विच मिल जाता है ये स्टार्ट करने के लिए। और रेसिंग बार की बात करें तो यहाँ पर इसके वाइब्रेशन को कम करने के लिए आप ये देख सकते हैं एक्सटेंशन, और इसका जो ग्रिप है वो काफ़ी सॉफ्ट रखा गया है। रियर व्यू मिरर की बात करें तो ये आपको मिल रहा है विंटेज लुक में, राउंडेड इसका शेप है, और इसका जो कवरिंग है आउटसाइड से ये क्रोम फिनिश से दी गई है, तो कुछ ये आपको ओवरऑल इसमें पैकेज मिलने वाला है। तो ये सारा डिटेल है इस स्कूटर के बारे में, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से मैंने सारी जानकारी शेयर की है। कुछ छूट गया कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।